हेलो एवरीवन, दिस इज़ रूपाली एंड वेलकम टू एस्पायरिंग टीचर्स। सो आज की जो ये MDU यूनिवर्सिटी की अपडेट है, ये मैंने साइट लॉगिन की हुई है, तो आप ये यहाँ पे देख रहे हैं कि रीसेंट अपडेट जो आई है, एक तो आया है ये यहाँ पर प्रेस नोट रिगार्डिंग MCQ एग्जामिनेशन। इसके अंदर क्या बोला है ये हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पर क्या गिवन है, ये यहाँ पर MCQ बेस्ड जो आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होना है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी है कि इट इज़ फॉर द इन्फॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टिंग फॉर MCQ बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन दैट देयर एग्जामिनेशन पिन विल बी सेंट ऑन देयर ईमेल आईडी। आपको एक एग्जामिनेशन पिन दिया जाएगा, आपकी ईमेल आईडी पर सेंड किया जाएगा और आपके ये मोबाइल नंबर पर सेंड किया जाएगा। और इसके अंदर ये भी कहा है कि ये आपको मोबाइल नंबर अ डे ऑफ बिफोर द डेट ऑफ एग्जामिनेशन इन द इवनिंग। अब जब आपका जैसे एग्ज़ाम होना है तो उससे एक दिन पहले आपको ये एग्जामिनेशन पिन दे दिया जाएगा। स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू थॉरली चेक द स्पैम जंक फोल्डर ऑफ देयर ईमेल्स फॉर द ईमेल कंटेनिंग ईमेल एग्जामिनेशन पिन। तो यहाँ पे ये बोला है कि सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे एडवाइस किया जा रहा है कि वो अपना एक स्पैम या फिर जंक फोल्डर के नेम से आपके ईमेल के अंदर होता है उसको आप चेक कर लीजिएगा, उसके अंदर आपका एग्जामिनेशन पिन वहाँ पर आएगा। तो वहाँ से आपको एग्जामिनेशन पिन आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना है, आपको एक ही बार आपको एग्जामिनेशन पिन आपके जब आपका एग्ज़ाम होगा उसके अंदर डालना होगा, तो वो चीज़ आपको शेयर नहीं करनी है। इन केस द एग्जामिनेशन पिन इज़ नॉट रिसीव्ड, अगर आपको एग्जामिनेशन पिन रिसीव नहीं होता है तो स्टूडेंट कॉन्टैक्ट करेंगे हेल्प डेस्क पर, जहाँ पर इन्होंने अपनी एक ID दी हुई है कि online.exam@mdu.ac.in, और आपको फ़ोन नंबर भी दिया है साथ में ये, तो इस नंबर को आप नोट करके रखिएगा कि इस नंबर की हेल्प से अगर आपके पास पिन रिसीव नहीं होता है तो आप उनको कॉल कर सकते हैं कोई भी क्वेरी आती है तो। स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अटैच स्कैन कॉपी ऑफ देयर एडमिट कार्ड मैंशनिंग द डिटेल्स ऑफ इशू बींग फेस्ड। तो स्टूडेंट्स को कोई भी इशू आता है उसके साथ उनको अपना एक एडमिट कार्ड की कॉपी अटैच करनी होगी, जो भी आपको इशू है वो चीज़ वहाँ पे लिखकर आपको उन्हें अटैच करके सेंड करना होगा उनकी ईमेल आईडी पर। द हेल्प डेस्क स्टाफ शेल रिप्लाई और रिजॉल्व द क्वेरी ऑफ स्टूडेंट्स अकॉर्डिंगली, और उसी के अकॉर्डिंग जो आप अपना एक अपना एडमिट कार्ड लिख के मतलब उनको सेंड करोगे अपनी क्वेरी, तो उसी के रिगार्डिंग आपका जो उनका जो हेल्प डेस्क है वो आपको हेल्प करेगा एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को। तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा जब आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हो, तो यहाँ पर ये सब चीज़ उन्होंने बताई है। एक चीज़ और देख लेते हैं यहाँ पर हम, और क्या आया है। इसके अंदर और क्या बोला है, अगर आप ये यहाँ पे इसको चेक करें तो एक और चीज़ उन्होंने मेंशन दी है। ये भी हमने प्रेस नोट पढ़ा था और इसके आगे आएगा, यहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। एडमिट कार्ड की इन्होंने दिया है, अभी एडमिट कार्ड बीएड वालों का नहीं आया है। उसके बाद इन्होंने एक चीज़ और बोली थी, ये चीज़ आप देख रहे हैं, अब ये महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी का है, ये भी एक प्रेस नोट है कि अब काफ़ी बच्चों की क्वेरीज थी कि हायर मी एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी कि आपको कैसे एग्ज़ाम देना है, तो उन्होंने एक एडिशनल इंस्ट्रक्शंस दिए हैं MCQ बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए। टू व्यू द क्वेश्चंस प्रॉपरली ऑन हायर मी ऑनलाइन असेसमेंट प्लेटफॉर्म मोबाइल एप्लीकेशन प्लीज़ यूज़ द जूम फैसिलिटी बटन ऑन द, यहाँ पर आप उसको जूम कैसे कर सकते हो, तो ये जो आपको यहाँ पर ये सर्कल में दिख रहा है यहाँ से आप क्लिक द जूम बटन टू व्यू अ क्वेश्चन, यहाँ से आप उसको जूम कर सकते हो और आप उसको क्वेश्चन को देख सकते हो बड़ा करके। इंक्रीज और डिक्रीज द साइज, आप यहाँ से उसको कम कर सकते हो डिक्रीज, क्योंकि मोबाइल पर आपको थोड़ा टफ हो जाएगा पेपर देना, तो आप इसको केयरफुली कीजिएगा, यहाँ पर आप उसको छोटा भी कर सकते हो और जूम भी कर सकते हो पढ़ने के लिए, ये ऑप्शन हैं। नेक्स्ट उन्होंने यहाँ पर बोला है सेलेक्ट योर आंसर एंड क्लिक द नेक्स्ट बटन, यहाँ से आपको आंसर को सेलेक्ट करना है और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा जब आप पेपर दें। स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू स्टार्ट द ऑनलाइन एग्जामिनेशन स्ट्रिक्टली ऑन टाइम,
टाइम पर आपको स्टार्ट करना है। पिन ऑफ योर एग्जाम आर सेंट इन द इवनिंग अ प्रीवियस डे। आपको जब एक जब भी आपका एग्जाम होना, सपोज 24th को होना है, तो आपको 23rd को पिन मिल जाएगा। देन आपका प्लीज़ सर्च योर ईमेल थॉरली, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको स्पैम और जंक को चेक करना है। उसके बाद यहाँ पर ये यही चीज़ उन्होंने बताया कि आपको कैसे जूम कर सकते हो, कैसे इंक्रीज बड़ा कर सकते हो उसका साइज़, और डिक्रीज कर सकते हो, कैसे आपको सिलेक्ट करना है क्वेश्चन। तो ये हायर मी एप्लीकेशन को उन्होंने बताया है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। बाकी एडमिट कार्ड जब भी आएगा यहाँ पर साइट पर आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अभी तक तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है एडमिट कार्ड की, अभी तो यूजी और उनके पीजी के ही एडमिट कार्ड आए थे, अभी तक बीएड वालों के एडमिट कार्ड नहीं आए हैं। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर साइट में, तो यहाँ पर ये चीज़ नहीं आई है, तो उसको आप देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच।